और ऐसे रोगियों को मैं खुद मेरे हाथों से भी, कई बार अगर मेरे बच्चों के समझ में नहीं आया तो मैं उनको अपने हाथों से पेस्ट लगाना नहलाना खुद भी कर देता हूँ। तो यहाँ पंचकर्मा के साथ साथ आयुर्वेद का समावेश होता है जी। और मुश्किल से 12 से 13 महीने के अंदर ये रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। लेकिन जिह्वा का स्वाद ना ले, उसको जैसे केला नहीं खाना चाहिए, एप्पल नहीं खाना चाहिए, चिल्ड आइटम्स नहीं खाना चाहिए और सुगंधित कॉस्मेटिक आइटम भी यूज नहीं करना चाहिए। साबुन अगर यूज करते हैं तो सिर्फ नीम वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उसमें कंडीशन है। जैसे मान लीजिए हमें इसमें अर्जुन का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। अर्जुन जैसे हार्ट के लिए लाभदायक है, इंजरी हीलिंग भी करता है और कैल्शियम को भी जनरेट करता है। इसमें गोखरू भी देना पड़ेगा, इसमें चिरायता भी देना पड़ेगा, इसमें मंजिष्ठा भी देना पड़ेगा, इसमें अचकंद भी देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से रोगी की स्थिति होती है उस तरीके से सारी चीजों को कॉम्बिनेट करके दिया जाता है। एक पेशेंट पर ऐसा एक ही मेडिसिन नहीं दी जाती है जी। कि भाई हमने ठीक है आपको साहब, हमने भी मान लीजिए ये अश्वगंधा पाउडर दे दिया, तो ये अश्वगंधा सिर्फ ताकत के लिए नहीं है, इसके और भी गुण है। निर्भर करता है जो औषधि दे रहा है उसको कितना नॉलेज है। जैसे मान लीजिए सोरायसिस की किसी को शुरुआत है और कोई एकदम डेड कंडीशन में आ गया है, फैल चुका है, तो उसको अपने हिसाब से हमारे यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी जो फार्मेसी है वहां पर उसको हम सर्च करते हैं और उसके हिसाब से वो दवाइयां देते हैं उसको जी। बाकी उसको परहेज ज्यादा समय तक करना रहता है और पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है जी। तो दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो स्वामी जी द्वारा बताई गई समस्या का समाधान जरूर अपनी जिंदगी में अमल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर सोरायसिस की बात हो रही है, जड़ी बूटियों की बात हो रही है, तो स्वामी जी क्या कुछ खास अलग करती है हमारे आरोग्य ब्रह्मांड की ये दवाई? मार्केट में और भी दवाइयां अवेलेबल है, और भी प्रोडक्ट है जो सोरायसिस को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे ही प्रोडक्ट की मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में आने के दो तरीके के रीजन होते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ अर्जन उपार्जन और पैसे कमाने के लिए मार्केट में आता है जी। दो चीजों की ब्रांडेड होती है, एक आदमी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करता है, एक आदमी अपनी कीर्ति की ब्रांडिंग करता है जी। और एक आदमी परमार्थ की भावा से लोगों के दिलों पर राज करने के लिए करता है। तो मेरा तो एक ऐसा नेचर है कि माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, मैं प्रोडक्ट के क्वालिटी पर भरोसा करता हूँ, शुद्धता पे भरोसा करता हूँ। अक्सर आप रीड करेंगे तो हमारी चीजें थोड़ी महंगी भी नजर आती हैं। हम अपने फूड की तरफ ले चलेंगे आपको, जैसे हमारे यहाँ 200 ग्राम का हल्दी 80 रुपए तक बिकता है जी। दूसरे लोग 35 से 40 रुपए में हल्दी बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि वो उसमें मिक्सिंग करते हैं। हमारा अनुभव बता दें कि हमारे खेत में से लाकर हल्दी प्रोसेस करके घर में बनाने तक 200 रुपए किलो पड़ जाता है जी। अब इसमें मार्केट में जाने के बहुत सारी चीजें और पड़ी हुई हैं, फिर भी आप इसको 40 रुपए में कैसे बेच रहे हो जी। तो ये मूर्ख क्या करते हैं कि इंडिया की पब्लिक को पागल बनाते हैं जी। 5 किलो इसमें इनके साथ में मान लीजिए हल्दी है तो उसमें 2 क्विंटल चने का बेसन रहेगा, 3 क्विंटल 1 क्विंटल मक्के का आटा और पीला रंग, और उसको बेच देते हैं जी। तो हमारा विश्वास, हमारा चैलेंज, हमारी प्रोडक्ट को शुद्ध शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार करना, बिना किसी मिक्सिंग के तैयार करना, यही डिफरेंट चीज है। तो हम आपको बता दें, याद दिला दें कि अगर आप भी कोई आप समस्या से पीड़ित हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी टीवी स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और स्वामी जी से बात कर सकते हैं। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे हमारे खास प्रोग्राम आरोग्य ब्रह्मांड में। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9932302287 8860867515।
ब्रह्मांड आयुर्वेदा लेकर आए हैं सभी रोगों के लिए अचूक दवा। सभी साध्य और असाध्य रोगों के लिए पाएं आजीवन दवाओं का लाभ मात्र 11,000 रुपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। मेंबरशिप लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9371792678 9158569 74 7058664735 9049324283। मेंबरशिप के लिए आप हमारे बैंक अकाउंट में भी राशि को डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 7011192373 कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा IFSC कोड है KKBK00006 97 शिवाजी नगर जलगांव महाराष्ट्र पिन कोड 425001। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी जनसेवा में समर्पित। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम आरोग्य ब्रह्मांड में। तो प्रोग्राम पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोराइसिस के बारे में और साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि फोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगर आप भी अपनी किसी समस्या से निदान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप पर्सनली अगर स्वामी जी से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं और उन्हें अपना बायोडाटा भेज सकते हैं नाम सहित और समस्या सहित। वो उन पर शोध करेंगे, आपके लिए दवाई तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जिस तरीके से स्वामी जी आपने बताया कि सोराइसिस को लेकर लोग बिल्कुल भी सचेत नहीं है, उनको बाद में पता लगता है कि सोराइसिस उनको होने वाला है, लक्षण सब चीजें हमने मालूम की सोराइसिस को लेकर। तो जड़ी बूटियों की बात हो रही थी, औषधियों की बात हो रही थी, तो कौन कौन सी आरोग्य ब्रह्मांड में कौन कौन सी औषधियां मिलाई हुई हैं जिसको लेकर सोराइसिस से छुटकारा पाया जा सकता है? नॉर्मली आयुर्वेद में मेरी कंपनी है या किसी भी की कंपनियां हो जी, कॉम्बिनेशन कीमत रखता है कि आपका फॉर्मुलेशन कितना अच्छा है और आपने कितना सुंदर इस पे शुद्धता से मिक्सिंग किया है जी। कुछ लोगों का नेचर ऐसा है, जैसे आज के टाइम में मान लीजिए किसी जगह मूसली है तो 1000 रुपए किलो से नीचे बात नहीं है, तो लोग क्या करते हैं उसके साथ बेस में जो सबसे सस्ती चीजें हैं उनको मिक्स कर देते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कम रखते हैं जी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से देखा जाएगा कि आपका जो ब्लड प्यूरिफाई मेडिसिन है वो कितना है जी। जैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए मामेरा एक वनस्पति आती है जी। अमहार करके एक फल आता है आम के जैसे, अचकंद करके है, तो अचकंद वगैरह तो ज्यादातर ह्यूमन सिस्टम के लिए दिया जाता है, स्पर्म डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, और एक तरीके से लाजवंती इसी प्रकार की एक प्रजाति है, गुड़वेल है जी, ब्राह्मी है, और एक सबसे बड़ी वनस्पति का नाम अक्सर लोगों ने सुना उसको कहते हैं हम इंद्राणी आयुर्वेद की भाषा में, छोटे छोटे तरबूज जैसे होते हैं, उसको इतनी कड़वाहट होती है उनमें कि अगर उसको आप पैर के नीचे भी 10-20 मिनट चलाओ तो जुबान कड़वी हो जाएगी जी। तो वो शुगर में भी यूज किया जाता है और रक्त शुद्धि में की जाती है। ये तो बात हो गई इंटरनल ब्लड प्यूरिफाई की। तो इसमें ज्यादातर अब जैसे इसमें जो हमारे सामने अभी हमारे प्रोडक्ट है इसमें उसमें से जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये ब्रह्मांड पाचक जाएगा जी, बॉडी के लिए उनको लगाने के लिए ये तेल जाएगा जी, और बाकी जो चीजें वो स्पेशल कॉम्बिनेट करके देनी होंगी उनको। मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज ज्यादा बढ़ गया और उसे साथ में सोरायसिस है तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जी, वो जल्दी क्योर ही नहीं होगा। इस तरीके से दुर्लभ वनस्पतियों में ऐसी ऐसी चीज है, जैसे ब्रह्म कमल का उपयोग है इसमें, बिच्छू घास का जो व्यवस्था है उसका कुछ प्रयोग किया जाता है जी। मतलब यहाँ पर जो चीजें उपयोग करी उसे शुद्धता से की जाए जी, और अगर उसकी शुद्धता में कमी है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो बड़ी ही दुर्लभ वनस्पतियों को इसमें प्रयोग में लाता हूं मैं जी। जैसे कई प्रकार के कंद हैं, भस्म कंद है, जंगली कंद है, कांचनार वगैरह है, गंधक की शुद्धिकरण जो है गंधक, अब गंधक जो बाजार से आप गंधक पाउडर लाते हैं, गंधक भी एक खाने वाला होता है और एक मेडिसिन में यूज करने वाला होता जी। है उसकी शुद्धता देखी जाएगी कि आपने उसे दही से शुद्ध किया है या तुलसी के रस से शुद्ध किया है, ये सारी चीजें की जाती है। और यहाँ पर जैसे बॉडी में लगाने के लिए एक्सटर्नल यूज का जो तेल दिया जाता है उसमें दो प्रकार के तेल मूलतः यूज किए जाते हैं, एक काटन का तेल जी।
कपास का तेल रहता है और दूसरा सरसों का तेल जी। और सरसों का तेल अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है जी। उससे अगर नेचुरल दिया जाए तो उससे बड़ी वो है ना, सरसों का तेल जो आज बाजार में बिक रहे हैं मेरे हिसाब से शुद्ध नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सरसों का तेल का खाली सुगंध ही लिया जाए तो बहुत हो जाता है। और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि कलयुग में या आज की 21वीं सदी में जैसे सब चीजों में मिलावट की बात है, अगर आज खाली सरसों के तेल की ही सब्जी खाएंगे ना तो बाजार में बिकने वाले घी से ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शुद्ध होना चाहिए जी। तो स्वामी जी, यहाँ तो बात रही औषधियों की, जड़ी बूटियों की, तो इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां आप कहाँ से कैसे यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है?